अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज हम आपके साथ बहुत ही इजी तरीका कढ़ी पकोड़ा बनाने का शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली ये बन जाती है। आधा किलो दही हमने ली है, इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। एक कप बेसन, इसको छान लिया है हमने। मसालों में हम लेंगे हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून। एक टेबलस्पून जीरा, सफ़ेद जीरा साबित, और कड़ी पत्ते 10 से 12। 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया है और 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। कढ़ी के पकोड़े बनाने के लिए हमने ये सामान लिया है। इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन 1 कप, इसको भी हमने अच्छी तरह से छान लिया है। धनिया चॉप कीवी आधी प्याली, 1 प्याज चॉप कीवी, पुदीना 2 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ और 1 हरी मिर्च हमने चॉप करके ले ली है। मसालों में लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, मीठा सोडा 1 चुटकी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून और धनिया दरदरा पिसा हुआ 1 टीस्पून। एक कप हमने पानी ले लिया है। कढ़ी का बघार लगाने के लिए तड़का, जिसे हम कहते हैं, हमने 1 कप ऑयल लिया है, 1 प्याज ले लिए स्लाइसेस में काट के, 6-8 कड़ी पत्ते, साबित गोल मिर्चें 5 से 6 और ज़ीरा साबित 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले कढ़ी बनाने के लिए जो हमने 1 कप बेसन निकाला था, उसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट सिर्फ आप इसे भूनें। उसके बाद दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही में हम भुना हुआ बेसन ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें शामिल करते जाएं, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है इसको। ये हमारा पेस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बेसन और दही का। देखिए, हमने गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हमने जो 3 टेबलस्पून ऑयल निकाल के रखा था वो ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल जो है वो गरम होना स्टार्ट होगा, हम इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। कि हमारा ऑयल गरम हो गया है, एक मिनट इनको कुक करने के बाद हम इसमें अपना अदरक लहसुन का जो हमने 1 टेबलस्पून पेस्ट निकाला था वो भी ऐड कर देंगे। 1 मिनट मज़ीद इसको हम पका लेंगे। एक मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 मिनट इसको भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। 2 से 3 मिनट इस मसाले को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। दो
से 3 मिनट बाद इसमें जो दही और बेसन का मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से मसाले में आप मिक्स कर लें। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे इसमें हम एक जग जो है वो पानी का 3 से 4 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। अब हम जो है अपनी कढ़ी को ढककर हल्की आंच पे तकरीबन 1 घंटा पका लेंगे। जब तक हमारी कढ़ी रेडी हो रही है हम यहाँ पे अपने पकोड़े जो हैं वो भी रेडी कर लेंगे उसका बैटर। बेसन हम एक बाउल में ऐड कर लेंगे, 1 कप बेसन छान के जो हमने रखा था। साथ में हम अपने ड्राई मसाले जो हैं वो सारे ऐड कर लेंगे और इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हैं उसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे बेसन के साथ। उसके बाद आराम आराम से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पकौड़ों के लिए जो है एक बिल्कुल फाइन बैटर रेडी हो जाए। ये हमारा बैटर रेडी हो गया। अब इसे हम ढक के साइड पे रख देंगे। जैसे ही हमारी कढ़ी रेडी होना स्टार्ट होगी फिर हम पकौड़ों को फ्राई करके उसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब आप अपना जो है ढक्कन खोलेंगे तो आपकी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी होगी, कुछ इस फॉर्म में ये आ जाती है। अब हम अपने पकोड़े फ्राई कर लेंगे दूसरी तरफ ताकि इसमें हम वो ऐड कर सकें। ऑयल हमने गरम कर लिया, आप अपने हिसाब से ऑयल ले सकते हैं पकोड़े फ्राई करने के लिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है ऑयल को। पकोड़े हम उसमें ऐड करके उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये हमारे पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम जो है जो पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं वो कढ़ी में ऐड कर लेंगे और 10 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। जब तक ये 10 मिनट पकेंगे उस टाइम में हम जो है अपना बघार तड़का कढ़ी का रेडी कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमारी जो है कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी कढ़ी। तड़के के लिए ऑयल जो है वो हमने पकौड़ों वाला ही यूज़ किया है। उसको अच्छी तरह से गर्म करके उसमें प्याज और कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं। इसको हम तेज़ आंच पे पका लेंगे। जैसे ही प्याज अपने कलर चेंज करना स्टार्ट हो इसमें हम ज़ीरा और गोल लाल मिर्चें दोनों चीज़ें ऐड करके इसको और कुक कर लेंगे। इसको हमें तब तक कुक करना है जब तक प्याज जो है वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये हमारे प्याज बल्कि हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे कढ़ी में ऐड कर लेंगे। अब हमारी जो कढ़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन वो वर्थ होता है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसे वाइट चावलों के साथ या फिर ऐसे ही जैसे खाना चाहे खाएं और ये बहुत मज़े की बनती है। ये हमने डिश आउट कर लिया, आप देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और हमारे साथ शेयर करें कि आपकी ये कढ़ी कैसी बनी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल टेकी आइडिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.